गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है दर्द। महसूस तो हो ही गया होगा। तो पिछला क्लास हमारा था वर्क से, वर्क चैप्टर पे। आज हम वर्क से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है उसको देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, वर्क एंड एनर्जी। ई मतलब एनर्जी। तो बच्चों ये बताया गया था, बताया क्या गया था कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने एफ न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई किया, अगर इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, सपोज इस बॉडी में एस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो वर्क होता है वो वर्क होता है एफ इंटू एस। और अगर यहाँ पे एंगल की बात हो जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर एंगल में हो या फोर्स अगर एंगल में लगे, तो जो वर्क का फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है एफ एस कॉस थीटा। इतनी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। आज इसी चीज़ का स्पेशल केस हम लोग देखेंगे, यानी कि वर्क का अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास m किलोग्राम है, इस बॉडी पे हमने फोर्स यहाँ पे लगाया f न्यूटन का। फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी इसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स के ही डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस करे s मीटर। ध्यान दो बच्चों, हमने क्या बताया, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे ये बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है एस मीटर। आओ अब देखो बच्चों, थोड़ा कंसेप्ट समझो ध्यान से। फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, यानी कि ये एफ था, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलर है, पैरेलर है, यहां दिख रहा पैरेलर है, पैरेलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी रखा जा सकता है। मतलब भाई फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अगर हम आपसे बात बताएं एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहां पर एंगल इन दोनों के बीच का कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, अब बात बताते हैं। इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख के देखते हैं, ध्यान देना। देखो ये आपका है फोर्स, इसी लाइन पे अगर इसी लाइन पे हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को रख लें, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही लाइन पे है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही लाइन पे। अब अगर यहां से हम इसको उठाएं तो आप देखोगे फोर्स ऐसे बढ़ रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये एंगल पे, एंगल पे, मतलब फोर्स भी इसी लाइन पे थी, डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन पे थी, यानी कि इसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, कोइंसिडेंस, सॉरी, एक दूसरे के ऊपर टैली किया। और इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, उस केस में वर्क क्या होगा, आओ देखते हैं वर्क क्या होगा उस केस में। उस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा यानी कि एंगल कितना था, एंगल आपका 0 डिग्री था, ठीक है। एफ एस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ये हो गया एफ इंटू एस, यानी कि जो वर्क आपका निकल गया वो निकल गया एफ इंटू एस, जो कि जनरल फॉर्म है किसका, वर्क का, मतलब वर्क का जनरल फॉर्मूला है एफ इंटू एस। और ये कैसा वर्क है, ये वर्क कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि यहां पे जो वर्क का वैल्यू निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। कंक्लूजन क्या आपको मिला, कंक्लूजन ये मिला, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, तब जो वर्क होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इन दोनों का ये एफ था, ये डिस्प्लेसमेंट था, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखी जा सकती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसको इसके ऊपर रख सकते हैं। सिंपल सी बात, देखो बच्चों ये लाइन था, यहां पे ही अगर ऐसे एंगल का बनता है, जब यहां से हम इसको उठाएंगे, यहां से उसको उठाएंगे, भाई ये दोनों, इस दोनों लाइन को मिला के एंगल कैसे बन रहा है, ये भी यहां पे, ये भी यहां पे, जब इसको यहां पे रखेंगे तो एंगल तो फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही है, ऐसे ही है दोनों। अब अगर हल्का सा भी एक टेढ़ा हो जाता तब एंगल यहां पे क्या होता, बनता, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, ठीक है बच्चों।
दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है m किलोग्राम की, सेम इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स ऐसा लगाया F जो इसको इधर लेके जाना चाहेगा, मतलब ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जाना चाहेगी, ठीक है। अब लेकिन अगर बॉडी इस तरफ मूव करे, इस तरफ मूव करे, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इस तरफ हो, तो आप देख सकते हो फोर्स इधर लग रही थी, ये F था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब जस्ट इसके ऑपोजिट, ये इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आप देखो यहां से घूमते 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 ऐसे, फिर घूमते 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 ऐसे, मतलब यहां से हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो एंगल कितना बनेगा, इस केस में एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 180। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो उस केस में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का। अब इस केस में वर्क का फॉर्मूला लगा लीजिए, वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। और ये याद रख लेना आप कि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, यानी कि जो वर्क होगा वो एफ एस, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -FS, यानी कि इस केस का जो वर्क होगा वो निकलेगा आपका नेगेटिव वर्क। मतलब सिंपल सा कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, मतलब फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ऐसे केस का जो वर्क डन निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है बच्चों, आओ एक तीसरा केस, तीसरा केस क्या, तीसरा केस ये, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो, मान लो ये कोई बॉडी है m किलोग्राम की, ठीक है बच्चों, इस बॉडी पे हमने फोर्स ऐसे लगाया और ये बॉडी या तो ऐसे आ रही हो, डिस्प्लेस कर रही हो नीचे की तरफ, या तो ऐसे डिस्प्लेस कर रही हो, ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, फोर्स ऐसे लग रही थी, आप देख सकते हो फोर्स ऐसे लग रही थी, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, यानी कि जब दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो इस केस में जो वर्क होगा, आप देख सकते हो जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस 90 डिग्री, और आपको पता है एफ एस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि वर्क क्या हो गया, 0। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, कुछ इस तरह का, या सॉरी कुछ इस तरह का 90 डिग्री हो, तो उस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगला, अब चौथा एक केस और हो जाता है, चौथा एक केस ये है कि जब बॉडी वहां पे डिस्प्लेस ना करे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही वहां पे ना हो, तो आपको पता है जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आप पूरी तरीके से क्या हो जाओ, क्लियर हो जाओ। ध्यान देना, ध्यान ये देना, समझना, समझने की बात यह है, देखो बच्चों ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या था, m किलोग्राम, इस बॉडी पे हमने फोर्स ऐसे लगाया, मतलब फोर्स, ये फोर्स क्या कर रही है, इस बॉडी को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगी। ध्यान दो, हम क्या बता रहे हैं, ये कोई बॉडी थी, इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही थी, ये फोर्स इसको इधर लेके जाना चाहेगी, अगर ये बॉडी इधर मूव करे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इधर हो, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, तो आपको जो वर्क मिलता है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, बता चुके हैं, ठीक है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो के, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो के, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, तो जो वर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो, इधर नहीं हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो, मतलब परपेंडिकुलर, तो इस केस में जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए कंसेप्ट। और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल क्या था, कि एक दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है, इस केस में वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब एक क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन हमारा यहां पे है, इसको देखो, बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया हुआ है बुक्स में, और कई एक बार हम लोग पढ़ते भी हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। देखो,
क्वेश्चन आपका ये बोला जाता है, क्वेश्चन ये बोला जाता है, ए पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है जो लोड कैरी करता है, ए पोर्टर इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब एक जो लोड कैरी करने वाला कुली है या कुछ भी बोलो आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सर पे एक लोड कैरी कर रहा है और लोड कैरी करके वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। आओ समझाते हैं इसको। ये हमारे पोर्टर है, इनके माथे पे ये लोड रखा हुआ है, समझना, ध्यान देना, इनके माथे पे क्या है, ये लोड रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे कुछ मास होगा, ध्यान दो, यहाँ पे इसका कुछ मास होगा बच्चों, कुछ मास होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि कुछ भाई कुछ सामान ये लोड करके रखे हुए हैं, कुछ इनका मास होगा। अब अगर इनका कुछ मास होगा, ध्यान दो, इनका अगर कुछ मास होगा तो ये मास नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, वेट बोलते हो। मतलब इसका फोर्स कहाँ लगेगा, अगर हम बात करें तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वेट बोल रहे हो। मतलब यहाँ पे एक फोर्स नीचे लगेगी जिसको आप बोलते हो वेट, जो कि एक तरह की क्या है, फोर्स है, ठीक है। और बच्चों ये आदमी हमारे, ये जो बंधु है, ये जो बंधुगण है, ये जो बंधु है, ये बंधु धीरे 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 चल रहे हैं, टहल रहे हैं। अब जब ये बंधु धीरे धीरे टहल रहे हैं, मतलब ये बंधु आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बंधु के साथ में ये जो इनके ऊपर रखा हुआ लोड है, ये भी डिस्प्लेस करके क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको पता है ना भाई, ये मार्कर मेरे हाथ में, हम आगे चले तो मेरे साथ मार्कर का भी मोशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, ये जो लोड था, इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, भाई भारी लग रहा है ना, वो नीचे की तरफ, और ये बढ़ रहा है आगे, और इन दोनों, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट था और ये फोर्स था, ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90, आप देख सकते हो साफ साफ 90 बनेगा। इस केस में आपको पता है थीटा कितना हो गया, 90, यानी कि इस केस में जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ए पोर्टर इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क, देन द अमाउंट ऑफ द वर्क इज जीरो, वर्क का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा बच्चों, ये बोलना सही है क्या कि वर्क का अमाउंट जीरो होगा, मतलब वर्क का अमाउंट जीरो होगा ये बोलना सही है, या वर्क जीरो होगा ये बोलना सही है? नहीं, ये बोलना सही नहीं है। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आओ बच्चों इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, जीरो होगा ये सही है, वर्क जीरो होगा ये सही है, गलत नहीं है, वर्क जीरो होगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, आओ इस चीज को हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो बच्चों, एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम कर सकती है, करती ही है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि जब एक बॉडी कहीं पे रखी हुई हो तो उस पे एक ही फोर्स लग रही हो, हो सकता है दो लग रही हो सकता है दो से ज्यादा लग रही हो। कैसे, आओ एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, समझना। ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, MKG, कोई दिक्कत। ये जमीन पे रखी हुई है या ये किसी सरफेस पे रखी हुई है, ये सरफेस है, ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, सरफेस है। हाँ, मान लो आपके रूम में एक हमने बड़ा सा ब्लॉक रखा है, क्लियर कंसेप्ट है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी चैप्टर्स में कुछ नहीं है। अब इसका मास है m किलोग्राम, तो मास है यानी कि इसका वेट होगा, भाई मास है तो उसका वेट होगा, वेट यानी कि फोर्स, यानी कि भाई भारी, टेबल के ऊपर एक पत्थर ला के रख दो, टेबल के ऊपर एक पहाड़ ला के रख दो, क्या टेबल उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इसका मास है यानी कि इसमें एक वेट लगेगा नीचे की तरफ, ये इसका वेट कहाँ लगेगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, जिसको वेट एक तरह का क्या हो गया, फोर्स हो गया, ये आपको पता है, कोई दिक्कत, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इसको समझना। एक टेबल पे जब हमने किसी सामान को रखा तो वो सामान गिरता नहीं है, मतलब टेबल टूटती नहीं है, क्यों, टेबल उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो ऊपर की तरफ उसको रोक के रखने का काम कर रही है। जैसे कि समझो ये मार्कर था, इस मार्कर को मैंने यहां रखा, क्या मेरा हाथ गिरा, नहीं गिरा, लेकिन इस मार्कर की जगह एक पत्थर एक ला के हाथ पे रख देंगे तब मेरा हाथ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्यों, इस मार्कर को उठा के रखने वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, यानी कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स यहां लग रही है जिसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल, ध्यान दो, इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल बोलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया, याद रखो, जब भी कोई बॉडी कहीं भी रखी हुई है तो उसके ऊपर दो फोर्स तो ऐसे ही लग रही है, एक उसके मास के कारण वेट, क्लियर, और एक उस सरफेस के कारण
एक नॉर्मल हो गया. ऑलवेज जब भी कहीं कोई बॉडी रखी हुई है किसी सरफेस पे, तो वहां पे दो फोर्स तो डन कंफर्म. एक मास के कारण क्या लगेगा, वेट, जो कि कहां उसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहेगा. अब ये नीचे की तरफ नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिल रही है जो कि क्या है, नॉर्मल. अब अगर इस बॉडी पे आप धक्का लगाना शुरू करो इसको, यानी कि इस बॉडी पे अगर आप ऐसा एफ एक्सटर्नल यानी कि कोई फोर्स लगाना शुरू करो जो इसको क्या करे, इस तरफ लेके जाना चाहिए. F एक्सटर्नल इसको क्या करे, इस तरफ लेके जाना चाहे, मतलब आप उसको धक्का लगा रहे हो उस तरफ लेके जाना चाहो. तो इस केस में जब इस पे आप धक्का लगा रहे हो, इसको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हो, तो इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लगती है. आपको पता है ये जमीन से रगड़ाएगा या उस सरफेस से ये फ्रिक्शन होगा ना, यानी कि इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन यहां पे लगेगी, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शनल फोर्स. अब देखो इस बॉडी पे कितनी फोर्स हो गई, एक ये इसको आगे लेके जाना चाह रही है, एक ये इसको रोकना चाह रही है, एक ये वेट इसको नीचे की तरफ लेके आना चाह रही है, एक नॉर्मल इसको ऊपर की तरफ रोक के रखना चाह रही है. कितनी फोर्स हो गई, चार फोर्स तो आपको ऐसे ही नजर आ गई. अब एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि भैया जिस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लग रही है, अलग अलग फोर्स का जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा. मतलब क्या, मतलब ये कि ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी, ये फोर्स भी इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी. मतलब इंडिविजुअल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडिविजुअल वर्क करेगा, समझे. इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन जीरो है. उस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स के कारण वर्क जीरो है, हम ये बात करेंगे. आओ देखते हैं. देखो बच्चों, अगर हम इस फोर्स को पकड़ें, इस फोर्स को एफ, इस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को अगर पकड़ें, तो ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ लेके जाना चाहेगा. अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, समझो, ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ लेके जाना चाहेगा. अगर बॉडी का डेफिनेटली भाई ये फोर्स जब हम बाहर इसको ठेल रहे थे, तो ये बॉडी आगे बढ़ेगी ना, आगे ही बढ़ेगी, ऐसा थोड़ा ना नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी. भाई टेबल कहीं पे रखा हुआ, सॉरी टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, आप उसको जब धक्का देते हो तो वो आगे बढ़ती है ना, नीचे जाती है ना ऊपर जाती है. मतलब ये फोर्स इसको इस तरफ लेके जाना चाहेगी, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, इस तरफ हुआ. तो अब देखो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो. जब एंगल जीरो हो गया तो यहां पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव. यानी कि अगर हम आपसे बताएं वर्क, ठीक है, बाई एफ एक्सटर्नल, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो. मतलब ये जो फोर्स है जो वर्क करेगी वो कितना करेगी, पॉजिटिव करेगी. क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है. अब ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, बॉडी इधर भाग रही है, फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रहा है, यानी कि इन इसके और इसके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 180. यानी कि वर्क डन बाय यहां पे आपका हो जाएगा फ्रिक्शन. तो जब 180 होता है तो कौन सा वर्क होता है, नेगेटिव. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी कि इसके और इसके बीच का आप देखो नॉर्मल ऐसा था, डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, एंगल कितना हो गया, 90. यानी कि वर्क डन बाय यहां पे क्या हो गया, नॉर्मल. जब 90 बनता है तो क्या होता है, जीरो. और वर्क डन बाय ये इसका वेट, वेट क्या, वेट, यानी कि यहां पे आपका आ जाएगा वेट, वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, ये भी कितना, 90, यानी कि जीरो. अब देखो बच्चों, हम आपसे बात बताते हैं, इस बॉडी पे चार डिफरेंट तरह की फोर्स एक्ट कर रही थी, चार डिफरेंट तरह की फोर्स एक्ट करने के कारण चार डिफरेंट तरह का वर्क हो गया, ठीक है. एफ एक्सटर्नल जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसी की तरफ है. फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो नेगेटिव करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फ्रिक्शन लग रही थी. नॉर्मल जो वर्क करेगा वो जीरो करेगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर था. वेट जो वर्क करेगा वो भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के क्या था, परपेंडिकुलर था. अब अगर हम आपसे बात बताएं क्या इस बॉडी पे वर्क जीरो है, तो आप अब ये नहीं बोलना, आप अब ये बोलना कि सर इस बॉडी पे जो वर्क
जीरो होगा वो नॉर्मल और वेट के कारण जीरो होगा। अब बच्चों आप इसी को छोड़ के इसी की जगह पे एक पोर्टर रख लो, पोर्टर रख लो, तो पोर्टर में अगर वो पोर्टर का एग्जांपल बताते हैं, देखो इसको मिटाते हैं, अब आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से हम क्या समझाना चाह रहे थे, अब आप समझ जाओगे। देखो बच्चों ये हमारे मोटू राम थे, ये हमारे मोटू राम है, ये हमारे मोटू राम है, ये है मोटू राम हमारे, ठीक है, ये जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इनके ऊपर एक ये लोड रखा हुआ, इनके ऊपर अब लोड रखा हुआ तो इसका कुछ वेट नीचे की तरफ होगा, जो जिसको आप पता है W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ये पहले भी पता है, नहीं पता तो वेट ही पकड़ो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, क्योंकि सरफेस से ये यहाँ पे ये सरफेस है ना, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये भाई साहब आगे बढ़ रहे थे तो इनके साथ में ये भी आगे बढ़ रहा था, कोई दिक्कत, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, क्लियर, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है, समझना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और ये जो था फोर्स, कौन, वेट, ठीक है, या नॉर्मल, देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, मतलब इस केस का जो वर्क डन था वो जीरो था, लेकिन कौन सा वर्क जीरो था, अगर हम आपसे बात बताएं, वर्क जीरो था, लेकिन कौन सा वर्क जीरो था, वर्क ड्यू टू वेट और वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण यहाँ पे जो वर्क था वो जीरो था। अब आप बोलोगे सर कहीं पे थीटा अगर एंगल 90 बनता है तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। हाँ सही बात है, वर्क जीरो होगा, लेकिन कौन सा वर्क जीरो होगा, ये अगर आप डिफाइन कर दोगे तो परफेक्ट नॉलेज आपके पास में है। अदरवाइज तो ये हम लोग जनरल कंसेप्ट बोलते हैं कि हम माथे पे एक सामान को रख लिए और हम क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कैसा वर्क जीरो होगा, क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखो, एक ऑब्जेक्ट पे अनंत प्रकार की फोर्स लग सकती है, काम कर सकती है, लेकिन जब अनंत प्रकार की फोर्स लगेगी तो उस पर अनंत प्रकार का वर्क डन होगा। भाई अलग अलग फोर्स क्या करेगा, अलग अलग वर्क डन करेगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी फोर्सेस क्या करें, एक ही काम करें, इसलिए वहां पे आपको इंडिविजुअल वर्क के बारे में क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है बच्चों। आओ सर्कुलर पथ पे बात करते हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे मूव करती है तब वर्क क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ये वर्क का कंसेप्ट है। अब ध्यान दो बच्चों, ये है कोई बॉडी, मतलब सॉरी ये कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर है, ये सर्कुलर पथ पे मूव कर रही है, तो आपको पता है जब बॉडी सर्कुलर पथ पे मूव करती है तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर इसको छोड़ें, इसको छोड़ दें, तो ये बॉडी ऐसे भागना चाहेगी, टेंजेंशियल, यानी कि एंगल कितना बना 90, यहां पे एंगल कितना बन गया 90, आपको पता है, तो वर्क क्या होगा, वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अदरवाइज आप ऐसे देख लो, ये बॉडी यहां से चली, चल के एक राउंड के बाद बॉडी यहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, आपको पता है ये बॉडी यहां से चली, चल चल के बॉडी यहां पे आ गई, बॉडी जब यहां पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क यहां पे क्या हो गया, जीरो। मतलब जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पथ, देन द वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सर्कुलर पथ पे बॉडी का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन का ये जो छोटा सा एक कंसेप्ट था, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन, ये याद रखना, और काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। अगर बॉडी मूव करे फोर्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव, आप बोलोगे सर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा मूव करता है, आपको तो पता है। सपोज आप बोलोगे सर ये बॉल है, इस बॉल पर हमने फोर्स लगाया, तो मतलब फोर्स लगाया ये बॉडी इधर ही मूव करेगा, सॉरी ये बॉल इधर ही मूव करेगा, अपोजिट कौन मूव करता है, यही ना बोलोगे कि अपोजिट। तो देखो बच्चों, ये स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है ना, ये अपोजिट मूव करती है, आप फोर्स इधर लगाओगे लेकिन स्प्रिंग इधर जाना चाहेगा, समझे बात को। तो इस केस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और भी इसके बारे में कंसेप्ट से सिर्फ यही एग्जांपल्स नहीं है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जिसके बारे में क्या करोगे, आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एनर्जी का, फिर पावर का, एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद में कन्वर्जन है, जो कि बहुत आसान है, आप किताब उठा के खोल के पढ़ के देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा और कुछ है नहीं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया और क्लियर कर दीजिए, और अगर समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में आ गया, आप आगे का वीडियो बना लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।